नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। जो निफ्टी 100 मिड कैप स्टॉक्स है उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताएंगे जिसके कारण हो सकता है हमारा स्टॉक मार्केट जो है कल बहुत ही तेज़ी देखने मिले, मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ सकता है। तो इन बातों का जो आपको ख्याल रखना है हमेशा स्टॉक मार्केट में आप जब भी हैं तो वीडियो के लास्ट में हम ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देंगे कि स्टॉक मार्केट जैसे कल है क्या ऊपर जा सकता है, क्या हो सकता है, तो इसके बारे में जो पॉसिबिलिटी होता है, कोई सर्टेन नहीं बोल सकता है कि कल स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी होता है जिसको हमारा स्टॉक मार्केट अप्रॉक्सीमेटली फॉलो करता है, तो उस इंपॉर्टेंट टिप्स को हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से जैसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशन वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो टिकर टेप के वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पर स्कैनर पर आप जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 100, मतलब निफ्टी का जो मिड कैप का जो 100 स्टॉक्स है, मतलब जो कहे कि मिड कैप का जो 100 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, सबसे लीडिंग स्टॉक्स है, उसमें हमने सेलेक्ट किया है और उसमें हम जो पैरामीटर्स लगाए हैं देख सकते हैं 7 to 97 तक का हमने पी रेशियो लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा पी रेशियो फिर बहुत ही महंगा स्टॉक्स हो जाएगा वो, और इससे नीचे लेते हैं तो वो बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हो जाएगा, मतलब जो स्टॉक्स बहुत ही निगेटिव परफॉर्म कर रहा है, जिसका EPS बहुत ही कम है, तो वैसे स्टॉक्स को भी नहीं लेना है। उसके बाद हमने 5 ईयर्स का हिस्टोरिक ग्रोथ, मतलब 5 साल में जो कि हमेशा रिटर्न दिया है अच्छा, उस स्टॉक्स को लिया है, फिर जिसका EPS भी अच्छा दिया है, साथ साथ मतलब रेवेन्यू भी हुआ है, साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज किया है, जो टॉप 10 स्टॉक्स है, उसके बाद EBITDA भी जिसका 5 साल में लगातार परफॉर्म किया है, तो ये सारे पैरामीटर्स लगाए हैं। तो आप भी टिकर टेप के वेबसाइट पर आ सकते हैं, यहाँ पर सारे स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, या चैनल से आप जुड़े रहिए, हम आपको हर तरह के स्टॉक सर्च करके आपको बताते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन सारे पैरामीटर्स को लगाए, तो पहला जो स्टॉक्स आया वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, इसका जो हमारा देखते हैं बिजनेस है वो टी और कॉफ़ी सेक्टर में है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 31,987 का और जो क्लोजिंग प्राइस है 347 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पी रेशियो इसका कितना है 69। अभी बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही आपको सस्ते पी रेशियो पर मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही सस्ते पी वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 70 के आसपास पी रेशियो है, तो बहुत ही इस स्टॉक का पी रेशियो हाई है। अब देख सकते हैं जो 5 ईयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितना का है, 3.81% का है, कि जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं पी रेशियो बहुत ही हाई है, देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही कम है, और उसके बाद EPS ग्रोथ भी देखते हैं मात्र 4.91 का है, और 5 ईयर्स का जो हिस्टोरिक EBITDA है वो भी 10.91% का है। तो जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है ये हम आपको रिकमेंडेड नहीं करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इसका जो EPS ग्रोथ है, रेवेन्यू है, ये बहुत ही कम है और पी रेशियो भी बहुत ही हाई है, अभी जबकि हमको स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, तो ऐसे हाई पी रेशियो वाले स्टॉक्स और उस पर भी रेवेन्यू ग्रोथ और EPS ग्रोथ बहुत ही कम हो, तो वैसे स्टॉक को हम रिकमेंड नहीं करेंगे। चलिए इस स्टॉक को हम बात नहीं करेंगे, अब मतलब ये रिकमेंड आपको अभी नहीं करेंगे, जैसे करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रप्रस्था गैस, इसका देख सकते हैं जो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब जो हमारा अभी का प्राइस है वो 445 रुपीज़ है, और इसका पी रेशियो 37 का है, तो ये इसकी तुलना में देख सकते हैं बहुत ही लो पी रेशियो है। और उसके बाद इसका रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, डबल डिजिट में है, 10.20% का है, तो डबल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ हो पिछले 5 साल का, तो वो ऐसे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, देखते हैं 10.20% का रेवेन्यू ग्रोथ है हर साल, 5 साल लगातार ऐसा रेवेन्यू ग्रोथ ये दिया है। उसके बाद EPS देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, मतलब जो EPS में ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा है, 18.51% का, और उसके बाद देखते हैं जो EBITDA का ग्रोथ है वो भी 9.97% का है, तो सारे पैरामीटर्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मुथूट फाइनेंस अभी देखते हैं जो गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, मुथूट फाइनेंस जो ये स्टॉक्स है ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकते हैं,
इसका करंट प्राइस देखते हैं 776 का है और इसका पी रेशियो 14.99 का है, मतलब 15 का है। और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं 9.04 का है, देख सकते हैं। ये हमारा भी डबल डिजिट के आसपास ही है, तो ये भी कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न दी है। उसके बाद इसका देखते हैं ईपीएस जो है 19.82 का है, तो ईपीएस भी शानदार है। उसके बाद 22.53% का देख सकते हैं ईबीटा का ग्रोथ है, तो ये और भी बेहतरीन है। तो यहाँ पर ईबीटा का ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छा है, तो ये कंपनियाँ भी अच्छी है। इसका भी रेवेन्यू ग्रोथ देखा आपने डबल डिजिट के आसपास ही है, अर्निंग पर शेयर तो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये स्टॉक्स भी अभी के लिए अच्छे हैं। उसके बाद तीसरा स्टॉक आता है हमारा इन्फोएज, naukri.com दोस्तों, naukri.com shaadi.com इसी कंपनियों का है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं इनके जो अभी कामकाज है वो भी ठप है, और ये स्टॉक्स अभी आपको देखते हैं कि 2403.90 रुपीज़ का ये स्टॉक्स है। और इसका पी रेशियो अभी देख सकते हैं आपको कितना अधिक है, 48.92, मतलब 50 रुपीज़ के आसपास स्टॉक्स है। इसका भी पी रेशियो बहुत ही हाई है, और इसका रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं 15% का रहा है, तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि डबल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ है। उसके बाद इसका ईपीएस देखते हैं, उसका जो मतलब ग्रोथ है ईपीएस का वो तो और भी बेहतरीन है, 43.02 का, तो ईपीएस का जो है वो और भी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ईबीटा 25.75, ये भी बेहतरीन है, तो ये भी स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन इन स्टॉक्स पे भी आप करेक्शन का वेट करें, अभी मार्केट जो है बहुत ही करेक्शन आया हुआ है, लेकिन इन स्टॉक्स में अभी भी करेक्शन बाकी है। जो इन्फो एज है naukri.com, इसमें भी अभी भी करेक्शन बहुत ही बाकी है, मतलब ये 2000 के नीचे आता है, 2000 के आसपास आता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। ये बीच में आया था, लेकिन फिर से देखते हैं इसमें ये अपने प्राइस को फिर से रिकवर कर लिया, तो जैसे 2000 आसपास आता है तो फिर से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लार्सन एंड टुडबो इन्फोटेक लिमिटेड, इसका करंट मार्केट प्राइस है देखते हैं 1645, और इसका पी रेशियो है 19.04 का, पी रेशियो देखते हैं 19.04 का, तो इसका पी रेशियो बहुत ही लो है, मतलब ये सेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कुछ सेक्टर होते हैं जिनके पी रेशियो बहुत ही कम होते हैं, जैसे ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर के पी रेशियो सबके आपको लगभग हाई ही देखने मिलेंगे। और इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, ये भी डबल डिजिट में है, तो जो इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो, ईपीएस का ग्रोथ अच्छा हो, तो वैसे कंपनियां निश्चित है आपको बेटर रिजल्ट देंगे, मतलब बेटर आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देंगे। तो देखते हैं इसका 13.93 का है, और इसका देखते हैं ईपीएस जो है 17.35 का है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका जो ईबीटा है वो 10.42 का है, तो ये भी अच्छा है। देखते हैं जो छठा स्टॉक्स है वो एलकेम लिमिटेड, यहाँ सारे पैरामीटर्स पे हम तुलना कर रहे हैं, फिर इसमें से आपको दो चार स्टॉक सेलेक्ट करना है कि कौन अच्छा है आपके लिए। देखते हैं इसका करंट मार्केट प्राइस है हमारा 2360, और इसका जो पी रेशियो है 37 का, जो कि पी रेशियो मीडियम है। और उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं 18.67 का, तो रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में है, और डबल डिजिट में भी अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है। और उसके बाद इसमें देखते हैं ईपीएस ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है 11.80 का। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं इसका जो हिस्टोरिकल ईबीटा ग्रोथ है वो है 21.26 का, तो ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है। लेकिन सारे स्टॉक्स आपको अपना रिसर्च भी करना है और देखना है कि किस प्राइस पर आपको लेना है, क्योंकि मार्केट में जो अभी करेक्शन होता है फिर मार्केट ऊपर भागता है, तो ऐसे में आपको सारे जजमेंट करना है कि कौन सा सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है, तो उन सेक्टर के स्टॉक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ आगे के सिनेरियो को भी सोच के लेना है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, सिचुएशन नॉर्मल होता है, तो कौन सा स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये भी सारी बातें आपको देख करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद देखते हैं वायरल पूल इंडिया लिमिटेड, वायरल पूल ऑफ इंडिया, इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है वो आप देखते हैं 1854 रुपीज़ का है, और इसका पी रेशियो देखते हैं 57 का है, देखते हैं 57.43। उसके बाद इसका देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ 13.75 का है, उसके बाद ईपीएस जो है हमारा 27.23 का है, ईपीएस जो है 27.23 का है, देखते हैं कितना शानदार ग्रोथ हुआ है ईपीएस में। उसके बाद आप देखते हैं इसका जो है हिस्टोरिकल ईबीटा ग्रोथ 23.47 का है,
तो ये भी बहुत ही शानदार है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्या ये सिचुएशन नॉर्मल होते ही ये कंपनियां जो है आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमारा जो 5 ईयर्स का हिस्टोरिक ग्रोथ हम दिखा रहे हैं तो आगे भी ये ग्रोथ करेगा, तो ये भी सोच करके आपको लेना है कि आगे ये परफॉर्म करेगा अच्छा या नहीं। उसके बाद जुबिलेंट फूडवर्क बहुत ही शानदार शेयर है ये। जुबिलेंट फूडवर्क अभी देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही आपको 300 से भी ज़्यादा का करेक्शन पे ये आपको मिल रहा है 1549 रुपीज़ पे। और इसका EPS देख सकते हैं, मतलब पी रेशियो, EPS तो हमारा यहाँ पे है, पी रेशियो 63.96, इसका पी रेशियो अभी बहुत ही हाई है। इसमें भी देखते हैं ग्रोथ डबल डिजिट में 15.46 का। लेकिन इस स्टॉक के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा जुबिलेंट फूडवर्क है, ये जैसे आपका ओपन होता है, सिचुएशन नॉर्मल होता है, लॉकडाउन खत्म होता है, तो निश्चित है इस कंपनियों का जो रेवेन्यू है फिर से उसी तरह रहेगा जैसा कि पहले था। उसके बाद इसका देख लेते हैं कि हमारा EBITDA क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.25 का, तो हर चीज़ देख सकते हैं शानदार। EPS का ग्रोथ देख लीजिए 21.95, बहुत ही शानदार है इस कंपनी का, हर देख सकते हैं हर चीज़ डबल डिजिट में, और डबल डिजिट में भी शानदार है। लेकिन पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स हमें बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, बहुत ही लो पी रेशियो पे मिल रहे हैं, तो ऐसे में ये 63.96 बहुत ही हाई पी रेशियो है। इसते हैं 9वां शेयर जो है इप्का लेबोरेटरीज, इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 1597 रुपीज़ है, और इसका पी रेशियो देख सकते हैं 45 का है। पी रेशियो जो है हमारा पीई रेशियो 45.36 का है, तो पी रेशियो इसका भी अभी थोड़ा सा हाई है। उसके बाद इसका रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं बहुत ही कम है, 2.84 का देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही कम है। उसके बाद EPS का तो ये निगेटिव में है, तो इस स्टॉक को पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि जो स्टॉक्स अभी तक हमें अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन आगे अगर इसमें फ्यूचर अच्छा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। EBITDA ये भी देख सकते हैं निगेटिव में है, -2.55। तो ये इप्का लेबोरेटरीज था। अगर इसमें आपको दिख रहा है कि आगे फ्यूचर इसका ब्राइट है और हर चीज़ सुधरने वाला है, और कंपनियां जो होनी चाहिए वो डेब्ट फ्री होनी चाहिए, तो ये सारी बातें आपको देख करके इन्वेस्ट करना है इसमें, नहीं तो अवॉइड करना है ऐसे स्टॉक्स को, क्योंकि अभी हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो वैसे में हम इन स्टॉक्स में क्यों रिस्क लें। तो अभी आपको रिस्क नहीं लेना है जब अच्छी कंपनी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे जब मिल रही है। तो अगला है PI इंडस्ट्रीज, देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस है 1451.95, तो ये करेंट मार्केट प्राइस है। पी रेशियो देखते हैं 48.84 का, पी रेशियो थोड़ा इसका भी ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री पे भी निर्भर करता है, जिस इंडस्ट्री का पी रेशियो हाई होता है तो उसमें आपको हाई पी रेशियो पे ही स्टॉक्स मिलेंगे, और जो कंपनियां मोनोपॉली बिजनेस वाले होते हैं उसका भी पी रेशियो आपको हाई ही मिलेंगे, और जो कंपनियां अच्छे मतलब बिजनेस करती है, अच्छा रेवेन्यू करती है, तो उसके भी पी रेशियो आपको हाई ही मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं डबल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ है, डबल डिजिट में EPS का ग्रोथ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि 14.51 का EBITDA ग्रोथ है, तो हर पैरामीटर बिल्कुल अच्छे हैं। उसके बाद एक स्टॉक्स और हम इसमें आपको प्रीफर करेंगे, क्योंकि एक दो स्टॉक हमने अवॉइड करने बोला, तो एक स्टॉक है वोल्टास। दोस्तों वोल्टास ये हमारा टाटा ग्रुप की कंपनी है, और यहाँ पर अभी देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस है 441 रुपीज़, इसका EPS देखते हैं 28.77 का, EPS अभी बहुत ही नीचे गिर चुका है, और इसका ग्रोथ देखते हैं 6.23 का है, लेकिन आगे उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो बूम आने वाला है इंडिया में, तो इसका डबल डिजिट में रेवेन्यू हो सकता है, इसका ग्रोथ डबल डिजिट में हो सकता है। EPS का ग्रोथ पहले EPS का ग्रोथ देख सकते हैं पहले से डबल डिजिट में है, जो अर्निंग पर शेयर है उसका ग्रोथ पहले से देखते हैं 15.66 का है, पहले से डबल डिजिट में है, और यहां से देखते हैं EBITDA ग्रोथ 7.61 डबल डिजिट में, वो भी अच्छा खासा है, डबल डिजिट में भी है और अच्छा खासा है। तो वोल्टास लिमिटेड, आप कई सारे स्टॉक्स हमने बताए उसको अवॉइड करना है, तो लेकिन आपको उसमें वोल्टास को शामिल करना है। यहाँ हमने जो पैरामीटर लगाया था इसमें वोल्टास हमारा नहीं आया था, लेकिन इसमें से आपको हमने बोला जैसे इप्का लेबोरेटरीज इसे आपको अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको हमने एक दो स्टॉक्स बोला कि आपको अलग अलग पैरामीटर के अनुसार सेलेक्ट करना है, उसको अवॉइड करना है, जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, लेकिन टाटा के ही दूसरा जो स्टॉक्स है इस मिड कैप में वोल्टास उसे शामिल कर लेना है। वोल्टास आपको आगे चल करके अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, अगर हमारा सारी चीज़ नॉर्मल हो जाते हैं, सारी चीज़ पहले के जैसा हो जाते हैं, तो वोल्टास आप
आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जो बूम आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो वोल्टास भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो कि हमने शुरुआत में कहा था कि स्टॉक मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे कैसे पता करें, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन, मतलब एक पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं कि कल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, यह है न्यूज़। जैसे अभी हमारा न्यूज़ आ जाता है स्टिमुलस पैकेज का कि कल हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्टिमुलस पैकेज दे रहा है स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी के लिए, तो निश्चित है कि स्टॉक मार्केट हमारा उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो हमारा स्टॉक मार्केट क्या करेगा, अब मूव करेगा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ जाता है स्टॉक मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में कि जैसे कोई टैक्स बढ़ा दिया गया, कोई नया टैक्स इम्पोज कर दिया गया, तो इस तरह से स्टॉक मार्केट हमारा क्या होगा, नीचे जाएगा। और जो मेजर हमारा अभी स्टॉक मार्केट फॉलो करता है वो है हमारा डॉ जोन्स को। अगर डॉ जोन्स हमारा कल, मतलब आज हमारा जो रात्रि है, अगर डाउन होता है तो हमारा स्टॉक मार्केट कल पॉसिबिलिटी है कि डाउन जाएगा, लेकिन कोई श्योर नहीं है कि हमारा कल स्टॉक मार्केट जो है डॉ जोन्स नीचे गया है तो नीचे ही जाएगा, ऊपर गया है तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमारा डॉ जोन्स जो है 883 पॉइंट्स अप है, समझ सकते हैं, बहुत ही तेज मोमेंटम डॉ जोन्स में देखा गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है हमारा अमेरिकन यूएसए स्टॉक मार्केट का, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही तेज मोमेंटम देखने मिला है। तो अगर हमारा हर चीज़ पॉजिटिव रहा, हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे न्यूज पॉजिटिव रहा या न्यूट्रल रहा, तब हम कह सकते हैं कि कल हमारा मार्केट जो है वो पॉजिटिव मूव कर सकता है। लेकिन डॉ जोन्स पॉजिटिव है, इसका मतलब 100% ये नहीं होता है कि हमारा निफ्टी भी जो है पॉजिटिव रहेगा, मतलब अप मूव करेगा। लेकिन सारे न्यूज अगर न्यूट्रल है या न्यूज जो है हमारा पॉजिटिव होते हैं और डॉ जोन्स भी पॉजिटिव है, तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। लेकिन डॉ जोन्स पॉजिटिव है, हमारे मार्केट से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है कि इंडिया में कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही फैल रहा है, जिससे इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, तो हमारा मार्केट जो है नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ डॉ जोन्स के फॉलो करने से हम जो है कुछ परसेंट कह सकते हैं कि हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रह सकता, अगर कोई भी न्यूज़ नेगेटिव नहीं होता है तब। जैसे डॉ जोन्स आज हमारा पॉजिटिव है तो क्यों है, तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि डॉ सोर्स ऑन वैक्सीन एंड बेल आउट ऑप्टिमिज्म, मतलब जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस का जो है अलग एक, मतलब नेक्स्ट लेवल फेज में जा चुका है, वैक्सीन पे जो का मतलब रिसर्च पे काम चल रहा है, और जो बेल आउट मिलने वाले हैं कई कंपनियों के, जिस पर रिएक्ट किया है जो डॉ जोन्स है वो पॉजिटिव रिएक्ट किया है, मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है किस पे, वैक्सीन मिलने की जो आशा है उस पे, और जो बेल आउट मिलने वाला है कई कंपनियों को उस पे। तो ये दो कारण है जिसके कारण देख सकते हैं न्यूज़ के कारण डॉ जोन्स जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट किया है, या यहाँ पर भी कारण पा सकते हैं कि डॉ जोन्स टुडे स्टॉक रैलीज एज कोरोना वायरस डाटा स्लो, मतलब कोरोना वायरस का जो डाटा है वो स्लो हो चुका है, इसलिए हमारा डॉ जोन्स पॉजिटिव रिएक्ट किया है। तो इसी तरह से हमारे जो मार्केट है वो निफ्टी या सेंसेक्स पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव, कल वो हमारी न्यूज़ पर निर्भर करता है कि न्यूज़ पॉजिटिव है या निगेटिव है। साथ साथ कुछ डॉ जोन्स को भी फॉलो करता है, मतलब ग्लोबल मार्केट को भी फॉलो करता है, ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से लिंक्ड है, तो अभी ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट चल रहा है उसके अनुसार हमारा मार्केट रिएक्ट करता है, साथ साथ हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी क्या न्यूज़ है, तो सबका ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है कि कल हमारा निफ्टी और सेंसेक्स पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या निगेटिव रिएक्ट करेगा। तो अब हमारा देख सकते हैं कि अगर सारी चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ रहा, डॉ जोन्स भी बहुत तेज़ी देखने मिला है, तो निश्चित है कल हमारा मार्केट भी तेज रहेगा। तो इन सारे बातों को आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों और फैमिली के वालों के साथ, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।